फोन स्क्रीन पे डॉक्टर ऋषि आपके साथ मौजूद है। मोतिये के बारे में आपको पता है, आजकल सभी के घर पे बुजुर्ग पेरेंट्स है और मोतिये की दिक्कत सभी को है, ब्लर दिखना शुरू हो जाता है, हमें पता नहीं होता कि ये क्या सिम्टम्स है और किसकी वजह से हो रहा है। डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहेंगे और जरूर पूछेंगे इसके मेजर रीजंस क्या हैं। इंडिया में ना काफी ज्यादा एक मिसकंसेप्शन होता है, क्योंकि जो मोतिया है वो हम कंफ्यूज रहते हैं। कई बार एक काला मोतिया होता है और एक सफेद मोतिया होता है, ये दोनों बेसिकली अलग अलग चीजें हैं। काला मोतिया जैसे कि नाम से ही लग रहा है, ये एक डेंजरस बीमारी होती है। ये इसलिए खतरनाक होती है क्योंकि आपकी ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करती है। जब भी आपकी ऑप्टिक नर्व अफेक्ट होती है, उसकी वजह से आपके दिखने की प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए आपको दिखना बंद हो सकता है और आप अंधे हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि विजन लॉस हो सकता है। क्योंकि काला मोतिया एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसके अंदर अगर आप रूटीन में चेकअप नहीं कराते स्पेशली 40 ईयर के बाद में, तो आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, स्पेशली वो पेशेंट्स या वो पर्सन जो कि इसमें हाई रिस्क के ऊपर है। दूसरा एक मोतिया होता है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में सफ़ेद मोतिया कहते हैं। ये काफ़ी नॉर्मल क्योंकि एज रिलेटेड प्रोसेस होता है, जिसमें कि आपकी आंखों का जो लेंस है, जो कि नॉर्मली ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, एक समय के बाद में जब वो वाइट हो जाता है तो आपको दिखने में धुंधलापन आ जाता है, जिसे हम सफेद मोतिया कहते हैं, और इसका हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। मोती के रीजंस क्या डॉक्टर साहब? जो काला मोतिया होता है उसमें कुछ कारण होते हैं, स्पेशली जैसे कि अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज के साथ साथ अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपको कोई चोट लगी है, या अगर आपने लंबे समय के लिए स्टेरॉइड का यूज किया है, तो आपको काला मोतिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि सफेद मोतिया जो होता है वो एक एज रिलेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन आजकल कुछ कुछ जो हम स्टेरॉइड ड्रग्स यूज करते हैं, या आपको चोट लग गई है, या आपके अंदर कुछ सिस्टमिक जैसे डायबिटीज वगैरह की हिस्ट्री है, तो उसके अंदर ये जल्दी आ सकता है। क्या इसका इलाज संभव है? डेफिनेटली, जो सफेद मोतिया होता है वो इजीली ट्रीटेबल होता है। ये सबसे कॉमन एक एज रिलेटेड प्रोसेस है, जिसमें कि जो धुंधला लेंस, जो सफेद लेंस आपकी आंख के अंदर हो गया है, उसको हम एक दूसरे नॉर्मल इंट्राओकुलर लेंस से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि आप वापस से एक अच्छी निगाह पा सकते हैं। और जो काला मोतिया है, काला मोतिया के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर हम उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन इसके अंदर जिस स्टेज पे भी आप डिटेक्ट होते हैं, अगर आप अर्ली स्टेज पे अगर आपका डिटेक्शन हो गया, तो हम उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। गूगल सर्च में डॉक्टर मैं खुद ही देख रहा था कि काले मोती की वजह से भी बहुत अंधापन हुआ है। डेफिनेटली काला मोतिया इस वक्त काफी गंभीर एक समस्या है, क्योंकि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम अपनी आंखों का रूटीन चेकअप नहीं कराते हैं, और उसकी वजह से जब तक ये डिटेक्ट होती है तब तक आप काफी एडवांस स्टेज के अंदर पहुंच जाते हैं। और इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दूसरा जो आई डॉक्टर आपको ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, आप उसको रूटीनली उसको नहीं लेते, या ले रहे तो आप वापस उसको चेकअप नहीं कराते, तो मालूम नहीं पड़ता, कई बार वो एंड स्टेज की तरफ चला जाता है और आपकी विजन हमेशा के लिए चली जाती है। कहते हैं आप कदम तो जहान कदम, बीपी शुगर का टेस्ट लोग करवाते हैं, आईज का क्यों नहीं करवाते? आपकी भी लंबे समय की प्रैक्टिस है, आपको क्या लगता है आईज का चेकअप क्यों नहीं होता? हमारे इंडिया में हम काफी ज्यादा आईज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमको लगता है कि हमारा काम चल रहा है, हमको दूर का दिख रहा है, बस थोड़ा धुंधला ही दिख रहा है, या हमने किसी और का चश्मा लगा लिया, काम चला लिया, थोड़ा नजदीक का थोड़ा पीछे करके देख लिया, उसकी वजह से हमारी आंखों की प्रॉब्लम बढ़ जाने लगती है। आजकल जैसे जैसे शुगर, डायबिटीज या फिर हम कहते हैं हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ये आंखों को भी अफेक्ट कर रही है, उसकी वजह से आंखों की निगाह भी जा सकती है। तो एक रूटीन में अगर हम अपनी आंखों का चेकअप कराएंगे तो इन सब समस्याओं से हम बच सकते हैं। किस एज ग्रुप में ज्यादा प्रॉब्लम आती है? जनरली आंखों की जो प्रॉब्लम है 40 से 45 के बीच में आना चालू हो जाती है। उस एज के बाद में हमारे आंखों का जो लेंस है वो घूमना बंद हो जाता है, तो हमको नजदीक का दिखना बंद हो जाता है, और धीरे धीरे वो ये समस्या और बढ़ती जाती है। लेकिन हम काम चला रहे होते हैं और अपनी आंखों पे जोर दे रहे होते हैं, लेकिन ये जो 50-60 है, क्योंकि इसके अंदर आंखों के लेंस के अंदर चेंजेस चालू होते हैं, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम चालू हो जाने लग जाती है, साथ में शरीर के अंदर जो एक सिस्टमिक डिजीजेज आ रही है वो आंखों को अफेक्ट कर रही होती है, और कुछ और प्रॉब्लम भी होती है जो कि एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से होती है, जो कि आंखों को अफेक्ट कर रही होती है। तो क्या संदेश रहेगा आपको जो डेफिनेटली वो अपनी आंखों का एक रूटीन चेकअप कराए, ईयरली चेकअप कराए, अगर आपको लग रहा है कि मेरी आंख ठीक है तो भी आप अपना एक आंखों का रूटीन चेकअप ईयरली चेक कर, जिसमें कि आंखों का विजन, इंट्राओकुलर प्रेशर और एक डायलेटेड आई एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आपकी आंखों के पर्दे की और नस की जांच हम करें, वो आपको करवाना चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी समस्या है तो आई स्पेशलिस्ट एक अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर ले, तो आपका विजन हमेशा के लिए अच्छा बना रहेगा।